हेलो गाइस, आपका यूट्यूब सनकी बुढ़िया में चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरी सासू माँ चिकन बनाने जा रही हैं और ये रहा चिकन और ये दीदी ने मेरी प्याज लहसुन पीस लिया है। इसमें अदरक हरी मिर्च पिसी हुई है, ये नमक है इसमें और ये धनिया है, ये मिर्चा है और ये हल्दी है और इसमें खड़ा गरम मसाला है जो अपने ये कटा हुआ ये कटा हुआ प्याज है और ये धनिया हमने वाश करके कट करके रख लिया है। अब सरसों का तेल, अब एक गैस ऑन करके गैस ऑन करके भगोने में तेल डाल दिया गया है। क्या मम्मी बोलते इसको भगोने में? नहीं, तेल को सरसों का तेल, सरसों का तेल डाला है और ये अभी ये चिकन देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में आपको। अभी सासू माँ बना के तैयार करेंगी, तब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए और आइए खा लीजिए, आपका यूट्यूब चैनल सनकी बुढ़िया में आपका स्वागत है। ये देखिए तेल अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसमें खड़ा गरम मसाला डाला जा रहा है और ये इसको अच्छे से भून जाने दीजिए धीमी आंच में। अब इसके बाद ऑनियन डाला जाएगा कटा हुआ, अब इसको ब्राउन होने तक की भूंजेंगे। आइए देखते हैं, मसाले की रेस पक चुकी है, इसमें हल्दी ऐड की जा रही है और ये रही धनिया और ये रही मिर्च और अभी मम्मी दी अपने स्वाद अनुसार डालेंगी नमक और इसके बाद डाला जाएगा चिकन मसाला। उसके बाद इसको धीमी आंच पे भून रही हैं। ये देखिए सॉल्ट पड़ गया हुआ है और ये देखिए मसाला अच्छे से भून रहा है। वो मेरी लाइट की प्रॉब्लम से मैं आपको सही से क्लियर दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए अभी पकने में इसको आधा एक घंटा लगेगा, क्योंकि आधा है घर से लगेगा, 15 मिनट लगेगा। हमको नहीं आता क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ। अभी मम्मी जी ने बताया है कि 15 मिनट लगेगा, तो अब 15 मिनट बाद आपको मैं रियल दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, ये तेल छोड़ने तक की पकाया गया है और इसमें अब डाला जाएगा चिकन। और ये देखिए लेग पीस, इसको जो मुर्गी के पैर होते हैं। और ये देखिए चिकन ऐड किया गया है भगोने के अंदर, अब ये अभी चलाया जाएगा 10 मिनट तक और 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया जाएगा। उसके बाद हल्का सा पानी डाला जाएगा और फिर लास्ट में मसाला डाला जाएगा, गरम मसाला थोड़ा, लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला और ये मीट मसाला और लास्ट में सबसे रेसिपी जब बन के तैयार हो जाएगी तब हरी मिर्च हरी धनिया पड़ेगी इसमें। ये देखिए अच्छे से चला लीजिए आप लोग। अभी कटा हुआ प्याज अभी मम्मी इसी में डालना है। ये देखिए कटा हुआ प्याज बाद को डाला जा रहा है इसमें, इससे वो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी जी। ये देखिए अब इसको मिक्स किया गया बिल्कुल, देखिए स्लो आंच में ये पकाया जा रहा है और ये अभी अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये देखिए आपको मैं किगल नहीं दिखा पा रही हूँ, अपने अनुसार से आप डालिएगा कि मतलब कि हम लोग को देख के पतलाई ना कर दीजिएगा। ये देखिए इसमें वाटर ऐड किया गया है, ये देखिए। अब इसको मम्मी कितनी देर पकाना है? अभी 15 मिनट, अभी 15 मिनट पकाने हैं। ये चिकन पक चुका है, अभी पानी पकाना है बस। कर दी गई है, अब इसमें ये अच्छे से पक चुका है। ये देखिए अब इसमें धनिया मिक्स की जा रही है और ये अभी मम्मी जी डाल के धनिया पूरी चलाएंगी और फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जब तक कि आप देखिए दीदी जी रोटी बना रही है मेरी गर्मा गर्म फूली फूली, आइए खा लीजिए। चुका है चिकन गर्मा गर्म, बन चुका है चिकन और ये रहा हुआ सलाद। और मम्मी पानी तो लाई नहीं है, अब मम्मी खाना शुरू कर रही है। अब मम्मी बताएंगी कैसा बनाए, बताइए मम्मी कैसा बनाए।
अभी मम्मी चेक कर रही है, आप बताएंगे। मम्मी जी बोल रही है एकदम। अब मैं मम्मी को पानी दे दूं।